नमस्कार, मैं दिव्या धारदर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। जन्म मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने के लिए सरकार ने लोकसभा में बुधवार को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पेश किया। मणिपुर हिंसा पर तनातनी के बीच सरकार ने जम्मू कश्मीर से जुड़े 4 विधेयकों के अलावे खान खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक भी पेश किया। इसके अलावा वन संरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। 15 मिनट में 6 विधेयक पेश किए गए। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिषद को देश को समर्पित किया है। बता दें कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का नाम भारत मंडपम रखा गया है। इसरो द्वारा 14 जुलाई को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है। अभी बीते ही दिनों इसरो ने यान को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की 5वीं चरण की प्रक्रिया भी पूरी की है। इस मिशन पर न सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों की नज़र है बल्कि पूरी दुनिया इस पर टकटकी लगाए देख रही है। हाल ही में चंद्रयान 3 को पोलैंड में RoTUZ टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में उड़ते हुए देखा गया है। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के शोध में दावा किया गया है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मौजूदा स्तर पर ही बना रहा तो आधी सदी बाद उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराएं रुक जाएंगी। इन धाराओं के रुकने का पृथ्वी के मौसम चक्र पर भयावह असर होगा। खासतौर पर बारिश और गर्मी से पूरी दुनिया परेशान होगी। अटलांटिक मेरिडोनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन कहे जाने वाले इन धाराओं का पिछले 150 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर अध्ययन किया गया है। अमेरिका ने एक बार फिर से ऐसा कदम उठाया जिसमें वहां की आम जनता को तो झटका लगा है बल्कि भारतीय शेयर बाजार में भी हलचल देखने को मिल सकती है। दरअसल लगातार बढ़ती महंगाई के चलते फेडरल रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेट में 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% की बढ़ोतरी की है। ताज़ा इजाफे के बाद देश में ब्याज दरों का बेंचमार्क 5.25 या 5.50% की रेंज में पहुंच गया है। यह स्तर 22 साल पहले यानी 2001 के बराबर पहुँच गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की गारंटी वाले बयान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना तय है और यह सच है भले ही 2024 के चुनावों के बाद सरकार कोई भी बनाए। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा, ऐसे में तमाम पार्टियां खुद को मजबूत करने में जुटी है। अन्य पार्टियों का साथ पाने के लिए हर कोशिश कर रही है लेकिन बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में चीजें पटरी से उतरती नजर आ रही है। भले ही नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और RJD सब कुछ ठीक होने की बात कह रही हो लेकिन दोनों पार्टियों के बीच तल्लखियां बढ़ती ही जा रही है। RJD कोटे के एक मंत्री का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलट दिया। आलोक मेहता RJD कोटे से मंत्री हैं, जिन्होंने राजस्व और भूमि विभाग में 480 कर्मचारियों और अफसरों के तबादले किए थे। केंद्र सरकार गुरुवार को लोकसभा में माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल 2023 पेश करेगी जिसमें लिथियम और टाइटेनियम समेत 6 खनिजों की माइनिंग और उसकी नीलामी का रास्ता साफ हो जाएगा। माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी पेश करेंगे। सरकार बिल में संशोधन इसलिए करना चाहती है क्योंकि मौजूदा विधेयक माइनिंग की नीलामी की अनुमति नहीं देता है। एम्स दिल्ली में जन्म से जुड़ी हुई 2 जुड़वा बहनों को अलग करने का कारनामा किया गया। एम्स के 11 डॉक्टरों की टीम ने यह सर्जरी सफलतापूर्वक की है। डॉक्टरों का कहना है कि अब ये दोनों बच्चियां सामान्य जिंदगी जिएंगी। दिल्ली एम्स ने 3 साल के अंदर जन्म से जुड़ी हुई बच्चों की 3 जोड़ियों को अलग किया है। वहीं अब इन 2 बच्चियों को जून 2023 में एक दूसरे से अलग किया गया है। बिहार के रक्सौल से 2 चीनी नागरिकों के प्रवेश पर गिरफ्तारी की खबर के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। SSB और पुलिस संयुक्त रूप से सतर्कता बरत रही है। नेपाल सीमा पर तैनात SSB के जवानों के साथ जिला पुलिस भी आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रख रही है। सेंट्रल GST और सेंट्रल एक्साइज की टीम ने आगरा में 134 करोड़ के GST फ्रॉड का खुलासा किया। टीम ने फर्जी फॉर्मों के बिजनेस में शामिल एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो कि माल की आपूर्ति किए बिना चालान जारी करता है और दूसरों का नाम का उपयोग कर व्यक्तिगत चालू बैंक खातों में माध्यम से पैसे भेजता है। ओ माई गॉड 2 के रिलीज डेट बेहद करीब आ गई है। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है लेकिन फिल्म अभी भी सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चक्कर में फंसी हुई। आस्था और धर्म पर आधारित फिल्म ओ माई गॉड 2 को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की एग्जामिनिंग कमेटी ने सर्टिफिकेट देने से इनकार करते हुए फिल्म को दोबारा से देखने के लिए रिवाइजिंग कमेटी के पास भेज दिया था। सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने भी इस फिल्म पर अपनी आपत्ति जताते हुए इसे 20 कट्स देने के सुझाव फिल्म के मेकर्स को दिया है। फिल्म को ए यानी एडल्ट सर्टिफिकेट देने की बात भी सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने कही है। गदर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। दर्शक लंबे वक्त से ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में आपके सामने 22 साल बाद एक बार फिर से तारा सिंह अपनी कहानी लेकर हाजिर हैं। तारा और
तारा और सकीना के किरदार कभी ना भूलने वाले किरदारों में से एक है। ऐसे में बड़े पर्दे पर एक बार फिर से ये जोड़ी धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। वहीं उससे लगभग 15 दिन पहले मेकर्स ने ट्रेलर की सौगात दे दी है। मोदी सरकार की तरफ से दो कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन पर काम किया जा रहा है। सरकार बिक्री पेशकश के जरिए रेल विकास निगम लिमिटेड में अपनी 5.36% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। इससे सरकारी खजाने को 1,329.90 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। देश भर में रेलवे की तरफ से वंदे भारत ट्रेनों की संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है, लेकिन इस बीच वंदे भारत ट्रेनों के साथ कई तरह की घटनाएं हो रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे को पिछले कुछ समय में भारी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही रेलवे में कई ऐसी घटनाएं हो रही है जिसकी वजह से विभाग को नुकसान हो रहा है। ऐसी कोच में सफर करने वाले यात्री भी ट्रेन के सामान की चोरी करके ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से रेलवे काफी परेशान है। भारत सरकार ने गुरुवार को एक सरकारी नोटिस जारी कर गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार ने ऐसा कदम घरेलू बाजार में चावल की आपूर्ति को बेहतर रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाया। अगर आपके पास स्टार चेन वाला 500 रुपए का नोट है तो ये फर्जी है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। पोस्ट में 500 रुपए के नोट की एक फोटो है जिसके सीरियल नंबर के बीच में स्टार चेन बना हुआ है। इस फोटो को शेयर करने वाले लोग लिख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से स्टार चिन्ह वाले 500 रुपए के नकली नोट बाजार में आ गए हैं। साथ ही दावे किए में कहा गया है कि इंडसइंड बैंक ने ऐसे नोटों को वापस लौटाया, लेकिन फैक्ट चेक ने पाया कि अगर स्टार चिन्ह वाले 500 रुपए के नोट नकली नहीं है। ऐसे नोटों को RBI ने 2016 में जारी किया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एग्जीक्यूटिव पद पर 132 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से शुरू हो गया। इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 16 अगस्त है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव पद पर सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। एग्जीक्यूटिव पद पर सैलरी 30,000 रुपये महीने मिलेगी, साथ ही कई प्रकार के भत्ते भी मिलेंगे। इसके एग्जीक्यूटिव पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट www.ippbonline.in पर जाकर कर सकते हैं। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की जिस 14वीं किस्त का इंतजार था वो जारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में आज एक सरकारी कार्यक्रम में किसानों के लिए लाभकारी स्कीम के तहत किस्त जारी की है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए देश के 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए सीधा उनके खाते में पहुंच गया है। इस 14वीं किस्त के जरिए किसानों को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच लड़ाई जारी है। मामले को लेकर अब मुंबई कोर्ट ने जावेद अख्तर को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जावेद अख्तर को समन जारी कर 5 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। हालांकि अदालत ने कहा है कि जावेद अख्तर के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है। बिहार के एक धन कुबेर इंजीनियर की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। दरअसल बिहार में इन दिनों विशेष निगरानी टीम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। बुधवार को निगरानी की टीम बिहार पुल निर्माण निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीकांत शर्मा के घर छापेमारी करने पहुंची थी। इंजीनियर के घर निगरानी की टीम को 97,80,000 रुपए मिले। ये नोट ट्रॉली बैग में रखे हुए थे। इसके साथ ही 3 राज्यों में जमीन के 20 फ्लैट के कागजात भी मिले हैं। जुलाई 2023 के पिछले 2 हफ्तों में गेहूं और चावल की वैश्विक आपूर्ति सबसे अधिक खपत होने वाला अनाज को अप्रत्याशित झटका लगा। अफ्रीका और पश्चिम एशिया के गरीब देशों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हालांकि आर्थिक सिद्धांतकारों सफेद गैर बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले में गलत मान सकते हैं, लेकिन सरकार विशाल जनता के हितों की अनदेखी नहीं कर सकती जिनके लिए गेहूं और चावल प्रमुख भोजन है। देश में वर्ष 2004 से 2014 के दौरान परिणामी रेल दुर्घटनाओं की औसत संख्या प्रति वर्ष 171 थी, जो वर्ष 2014 से 2023 के दौरान औसतन 71 प्रति वर्ष दर्ज की गई है। सरकार ने लोकसभा को यह जानकारी दी है। सरकार ने एक वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की और इसे सावधान रहने को कहा है। इस खतरनाक रैनसॉमवेयर का नाम अकीरा है। यह यूजर्स के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। यह यूजर्स की पर्सनल डिटेल्स चुराकर यूजर्स के लाखों रुपए की मांग भी कर सकते हैं। रुपए ना देने पर यूजर्स को अलग अलग तरीकों से ब्लैकमेल किया जा सकता है। हैकर्स इस डेटा को डार्क वेब पर बेच सकते हैं। देश में फिलहाल कुछ खास बुनियादी ढांचा या विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए वन मंजूरी अनिवार्य है। लोकसभा में अब एक ऐसा विधेयक पारित कर दिया गया है जो सरकार को इससे छूट उपलब्ध कराता है। अगर बुधवार को पारित यह विधेयक कानून बन जाता है तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास सड़कों, रेलवे लाइनों या दूसरी रणनीतिक परियोजनाओं के लिए जंगलों के हस्तांतरण को वन मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि बुधवार को वन अधिनियम 1980 में संशोधन करने वाले विधेयक लोकसभा ने ध्वनि मत से पारित किए। केंद्र सरकार ने संसद में खाने के तेल की कीमतों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने कहा है कि रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और
और रिफाइंड पामोलिन तेल की कीमतें पिछले एक साल में काफ़ी घट गई है। इसके तहत रिफाइंडर सनफ्लावर ऑयल 29%, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल 19% और पामोलिन तेल 25% तक सस्ता हो चुका है। बीते दिन सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार अब OTT प्लेटफॉर्म को कार्यक्रम में तंबाकू उत्पाद प्रदर्शित करने या फिर उसका उपयोग किए जाने के दौरान स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर तंबाकू विरोधी संदेश चलाते हुए लोगों को स्वास्थ्य चेतावनी देना अनिवार्य होगा। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर सियासी बवाल जारी है। विपक्षी मोर्चे ने सरकार के नेतृत्व में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। इधर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आरजेडी में से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने गुरुवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ANI से बातचीत में कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया गया है कि मोदी जी हम आपको पसंद नहीं करते, बल्कि मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी की चुप्पी तोड़ने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। केंद्र की मोदी सरकार कई साल पुराने कानून में संशोधन करने जा रही है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल 2023 पेश किया था। इस बिल के कानून बनने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्ञान वापी मस्जिद के ASI सर्वे को लेकर काफी समय से बवाल मचा हुआ। SCB समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया। बता दें कि स्वामी प्रसाद ने कहा है कि अगर सर्वे होना है तो फिर केवल ज्ञान वापी का ही क्यों, बल्कि देश के सभी हिंदू मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल है उनमें से अधिकांश मंदिर पहले बौद्ध मठ थे, उन्हें तोड़कर हिंदू तीर्थस्थल बनाए गए हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है HK मल्होत्रा, नुन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, दयाशंकर, जितेंद्र ठाकुर, M कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, नौसाद अंसारी। बढ़ते आज के सवाल की, रात का सवाल है, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप खुद को कैसे सावधान रखते हैं। आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।